महान भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का निधन। 76 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। मोटर न्यूरॉन बीमारी से ग्रसित थे। उत्तर प्रदेश और बिहार उपचुनाव के नतीजे आज। 3 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी। योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में सपा उम्मीदवार 14,600 और फूलपुर में सपा उम्मीदवार नागेंद्र पटेल 18,000 से ज्यादा वोटों से आगे। यूपी विधानसभा में काउंटिंग को लेकर विपक्ष का हंगामा। गोरखपुर के डीएम पर सही से काउंटिंग नहीं करवाने का आरोप। बिहार के अररिया लोकसभा सीट और जहानाबाद विधानसभा सीट पर आरजेडी को बढ़त, जबकि भभुआ विधानसभा सीट पर बीजेपी आगे। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद पर आज से रोजाना सुनवाई। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर 13 अपीलों पर सुनवाई। पक्षकार दिल्ली में जमे। उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद ने संसद की स्थायी समिति से कहा, सेना के 68% हथियार पुराने, आधुनिकीकरण के लिए बजट की कमी बताई। नॉर्थ दिल्ली से साउथ दिल्ली को जोड़ने वाली पिंक मेट्रो आज शाम से शुरू। और ईरान ने पाकिस्तान और चीन के चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट से जुड़ने का न्योता दिया। 2016 में भारत से समझौता हुआ था।